एंकर मुरादाबाद में प्राइवेट बस यूनियन मुरादाबाद मंडल एवं ठाकुर द्वारा बस यूनियन द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों का लेकर एक जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आरटीओ मुरादाबाद को भीम सिंह को सौंपा। कोरोना काल के बाद कई ऐसे व्यवसाय थे जो पूरी तरीके से ठप हो गए थे, उनमें से एक था प्राइवेट बस संचालन। आज आरटीओ एक प्राइवेट बस यूनियन मुरादाबाद मंडल एवं ठाकुर द्वारा बस यूनियन द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आरटीओ मुरादाबाद को भीम सिंह को सौंपा। इस दौरान कामेश कुमार गुप्ता ने बताया कि हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर आज आरटीओ मुरादाबाद को ज्ञापन सौंपा है, जिनमें से मुख्य मांगे ये है कि प्राइवेट मार्ग पर चल रही ई रिक्शा का संचालन रोका जाए, साथ ही पंजीकृत रिक्शा नगर पालिका द्वारा तय समय में ही संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर रिक्शा संचालन नहीं रोका गया तो प्राइवेट बस सेवा का संचालन करना मुश्किल होगा। उन्होंने अपनी अन्य मांगों में कहा कि बसों के परमिट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में बसों का संचालन न होने से और अन्य कारणों के कारण परमिट सेवा बंद रही थी, जिसके बाद अब इसकी समयावधि बढ़ाई जाए। वहीं इस मौके पर मंडल महाप्रबंधक विपुल कुमार गहलोत, मंडल अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र सिंह, मंडलीय सचिव कामेश कुमार गुप्ता, मंडल व उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम मौजूद रहे।